वाराणसी में मतदान जारी है। लोकतंत्र के महाउत्सव को लेकर काशी में उत्साह का माहौल है। इसी बीच वाराणसी में एक ऐसा अनोखा बूथ बनाया गया जहां मतदाताओं पर पुष्प वर्षा व उनकी आरती उतारकर स्वागत किया गया। घुंघराली गली स्थित रामप्यारी रस्तोगी इंटर कॉलेज में बनाए गए आदर्श बूथ दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की ओर से इस बूथ में तमाम व्यवस्थाएं की गई। इस बूथ में सबसे अनोखा यह रहा कि मतदाताओं की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता के लिए संस्था की ओर से बूथ पर आने वाले मतदाताओं की आरती उतारकर और पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। वहीं जो मतदाता वोट देकर वापस जा रहे थे तो उनका भी अभिनंदन पुष्प वर्षा करके किया गया। बूथ के ठीक बाहर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए ताकि मतदाता वोट देने के बाद अपनी अपनी फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। किसानों के बूथ पर मतदाताओं के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था, शिकंजी की व्यवस्था व जगह जगह पर पंखों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा पूरे बूथ को गुब्बारे और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया। बेहद आकर्षक ढंग से सजाए गए इस बूथ पर सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था नजर आई। मतदान कर्मियों के साथ साथ पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहे। वहीं वोटर की पर्ची को चेक करने के बाद उन्हें मतदान के लिए अंदर जाने दिया जा रहा था। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान के अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं की सहभागिता हो, इस सोच के साथ आज हमने अपने बूथ पर इस प्रकार की अनोखी व्यवस्था की है। हम सभी मतदाताओं का पुष्प वर्षा व आरती उतारकर स्वागत कर रहे हैं ताकि उनमें मतदान को लेकर उत्साह बना रहे। संतोषी शुक्ला ने काशी की जनता से अपील भी की है कि वह अपने अपने घरों से निकलकर मतदान अवश्य करें और अन्य लोगों को भी उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। मतदाताओं के लिए विशेष जो है सुविधाएं दी जा रही हैं और खास करके जो मतदाता यहां पे आ रहे हैं मतदान करने के लिए उनका जो है पुष्प वर्षा के साथ आरती ये सब के साथ जो है उनका स्वागत किया जा रहा है ताकि वो अपने अधिकार को समझें और वोट अवश्य करें। और यहां मैं आज एज अ वोटर आई हुई हूं और यहां पे जैसे ही मैंने वोट डाल के मैं बाहर आई तो काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ महिला संस्थान द्वारा। उन्होंने आरती की और फूल पुष्प वर्षा की तो बहुत अच्छा लगा। आपने भी वोट किया है? हाँ, मैंने वोट किया है। अभी मैं सोशल वर्क में हूँ और मैं जो दिव्यांग लोग हैं उनको मेरे पहुँचाने का वोट कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश के लिए कुछ जो कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए हमें उनके प्रमोट के लिए और बहुत अच्छा लगा। आप लोग का वेलकम।